हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीएसएसपी की तरफ से थोड़ी देर पहले दो नोटिस निकाले गए हैं 8 जून 2020 को। तो आइए देखते हैं कौन से नोटिस निकाले गए हैं 8 जून को। थोड़ी देर पहले डीएसएसपी ने नोटिस निकाला है। उससे पहले वीडियो पे नया है, चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट नहीं वैकेंसी आती है अपलोड करते हैं। यहां डीएसएसपी कह रही है कि कुछ कैंडिडेट्स ने वैकेंसी जो निकाली गई थी उसे फ्रॉड करने का कोशिश किया है। अब क्या फ्रॉड करने का कोशिश किया है? तो डीएसएसपी कह रही है कि हमने प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली थी 16/17 पोस्ट कोड और 1/18 पोस्ट कोड के लिए। यहां पर पेपर हुआ अक्टूबर के महीने, पेपर हुआ था 2018 में पेपर हुआ था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया, उसके बाद यहां पर फिर सिलेक्शन भी हो गया, ज्वाइनिंग करने के लिए पोस्टिंग भी करा दिया गया, जून भी अलर्ट कर दिया गया। लेकिन इन्हें बाद में पता चला कुछ कैंडिडेट्स ने अब फ्रॉड किया। तो यहां बताया जा रहा है जसबीर मान जो है इनके बदले कोई और एग्जामिनेशन में बैठ गया 16/17 और 1/18 पोस्ट कोड में। डी ट्रिपल एसपी को इन्फॉर्मेशन मिला, जांच के लिए इंक्वायरी बैठाई और यहां पर जो बच्चे हैं पकड़े गए हैं। लेकिन जो यहां पर बताया जा रहा है कि पूरा डिटेल दिया गया है और आगे भी कुछ और जांच करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं इन पर, जो जसबीर मान है उन पर इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी की धारा लगी है और इन पर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। यहां पर डीएसएसपी कह रही है कि हम लोग जीरो टॉलरेंस है, जो हमेशा कहते हैं जो होता है नहीं कुछ भी। यहां पर कह रहे हैं कुछ भी हम लोग गलत इस पर नहीं मानते हैं या गलत हम लोग करने के लिए आगे किसी को बढ़ावा नहीं देते हैं, जो भी करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहां बताया गया। दूसरी नोटिस बताई गई, यहां पर एक और बच्चे हैं 16/17 और 1/18 पोस्ट कोड प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए एक और कैंडिडेट पकड़े गए हैं, आशीष नाम है। इनके बदले भी कोई और एक कैंडिडेट एग्जामिनेशन जगह बैठ गए थे। कोई और कैसे बैठ सकता है, ये सोचने की बात है। जब तक बाहर एग्जामिनेशन एग्जामिन होता है, चेक होता है, उसके बाद भी कैसे बैठ जा रहे हैं, इन्हें 2-3 साल बाद पता चल रहा है। तो यहां पर फिर से जो वही बता रहा है कि जांच करने के लिए आगे आदेश दिया गया है, इन पर आईपीसी की धारा जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है और यहां पर उनका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ दे दिया गया है और साथ में रोल नंबर बता दिया गया है। फिर कह रही है डीएसएसपी कि हम लोग इस चीज पर कभी भी कोताही नहीं करते हैं या जो भी जीरो टॉलरेंस की भाषा रखते हैं, आगे जो भी जो कैंडिडेट्स जांच में पकड़े जाएंगे उन पर भी सही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब बात करते हैं पीआरटी 15/19 का। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट डाउट पूछ रहे थे और देख रहा हूँ कि कल परसों से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस आगे प्रोसीड किया, मैंने ई डोजर के लिए मैंने क्लिक किया, आगे एक स्टेप आया, नया पेज खुला, वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, नेक्स्ट करने के बाद एरर हो गया, सब कुछ वापस चला गया। फिर से मैं लॉगिन कर रहा हूं तो लॉगिन करने के बाद लिख रहा है कि आपका सबमिट हो गया। कुछ कह रहे हैं कि मेरा कुछ अलग दिखा रहा है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का कल से डाउट आ रहा है कि मेरे में एरर दिखा रहा है। इस बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं पता करने के लिए, कोई अभी इंक्वायरी में मैंने फोन भी किया था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिन बाद अपडेट कर दें या आज रात में ट्राई कीजिए, कल रात में ट्राई कीजिए। 15/19 पीआरटी में ऐसा देखा जा रहा है, ई डोजियोर में जो पहले डोजियर कंप्लीट नहीं किए, लास्ट डेट पे जो डोजियर अपलोड कर रहे हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल परसों से काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, आज सुबह मेल भी एक कैंडिडेट का आया था कि काफी दिक्कत हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, नेक्स्ट कर रहे हैं तो एरर शो कर रहा है। उसके बाद जब फिर से लॉगिन कर रहे हैं तो लिख रहा है कि आपका सबमिट हो चुका है लेकिन सबमिट हुआ नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम सब बच्चे बहुत सारे मैसेज करके बोल रहे हैं। तो देखिए वेट कर लीजिए, हो सकेगा आज कल में वो अपडेट कर दें आपका जो प्रॉब्लम आप शो कर रहा है। और जो कैंडिडेट्स दिन में फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी ई डोजर अपलोड करते हैं, दिन में फॉर्म मत फिलअप कीजिए, कोशिश कीजिए रात में फिलअप करने के लिए, क्योंकि रात में साइट थ्रू सही चलती है।